गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम यू ऑल आज की इस वीडियो में, जिसमें हम 4 सितंबर 2020 की सारी 9th क्लास की इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट्स को सॉल्व करेंगे। तो आपको तीनों, पहले मैथ्स, फिर साइंस और फिर हिंदी, तीनों ही वर्कशीट्स का सॉल्यूशन इस एक वीडियो में मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट बिना टाइम वेस्ट करे। आज की वर्कशीट में हम सॉल्व करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम? आपने इससे पहले भी पाइथागोरस थ्योरम का 8th में नाम सुना है, लेकिन शायद आपने कभी इतने ध्यान से उसके बारे में सोचा नहीं कि ये पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है। तो मैं आपको बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम एक थ्योरम है जो राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे आपको ये छोटा सा स्क्वायर का साइन दिख रहा होगा ट्राइंगल में, ये स्क्वायर के साइन का मतलब होता है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो जो भी एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगती है, और सभी राइट एंगल ट्राइंगल, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल होंगे उन सभी में पाइथागोरस थ्योरम लगती है। ये पाइथागोरस थ्योरम एक बहुत सिंपल थ्योरम है जो हम समझते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर एक 90 डिग्री वाला ट्राइंगल है तो उस 90 डिग्री वाले ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं। कौन कौन सी तीन साइड्स होती हैं? वो तीन साइड्स में सबसे पहली जो साइड होती है इस नीचे वाली साइड, जिसको हम कहते हैं बेस, जो सीधी खड़ी साइड है ये वाली ए बी साइड, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और जो तीसरी साइड है इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस। कई बुक्स में आपको इसको बी, इसको पी और इसको एच से रिप्रेजेंट करते हुए भी देखा होगा, जो कि करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम एक सिंपल रिलेशनशिप है इन तीनों के बीच में, जो कहता है एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब आप में से कई बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि एच कौन सा वाला है। तो मैं आपको सिंपल सी बात कहूं, जब आप 90 डिग्री का ट्राइंगल बनाएंगे तो जो 90 डिग्री का कोना होगा उससे सीधी लाइन खींच के ऐसे तीर का निशान बनाओ। जिस साइड की तरफ वो निशान इशारा करता है, वो आपका बनाया हुआ निशान इशारा कर रहा है, वो इशारे वाली साइड जो है वो आपका एच है, वो आपका हाइपोटेन्यूस है। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सिंपल शब्दों में आपको ये समझा दिया कि हाइपोटेन्यूस, बेस, परपेंडिकुलर और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया उसको देखते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, इसके अंदर आपको ए सी नहीं पता, बी सी नहीं पता, मतलब ए सी पता है, बी सी पता है, ए बी निकालिए। देखिए, एक तरीका तो वो होता है जो मैंने आपको बताया कि जिस तरीके में आप क्या करते हैं कि आप इसको कहते हैं कि ये मेरा बेस है, इसे कहते हैं कि ये मेरा परपेंडिकुलर है, और इसको कहते हैं कि ये मेरा हाइपोटेन्यूस है, और इनको लिख के फॉर्मूला लगाते हैं। पर आपको पता है कि इनके अलावा भी आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। सीधे सीधे लिखने का क्या मतलब है? सीधे सीधे लिखने का ये मतलब है आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि मैं कहता हूँ कि ये मेरा ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो भाई ए बी अगर एच है तो वो एच ही रहेगा। और फॉर्मूला लगाने के बाद सीधा आपका आंसर आया ए बी की वैल्यू 13। क्वेश्चन देख लेते हैं, आपने जो अभ्यास किया, दूसरा प्रश्न भी आज का पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही, बस वैल्यू थोड़ी बड़ी है। तो यहाँ पे आपको 1681, 1600 बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं। हम अभ्यास के क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको ऑल क्लियर हो जाएगा, ऑल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है राइट एंगल डेट ए। तो ये बेटा सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको राइट एंगल बताएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहेंगे तो आपको बताएंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं बताया जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला, तब तक आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो ये आपको बताया जाएगा कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा वाला, जैसे उन्होंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल का राइट एंगल ए पे है, तो हमने यहाँ देख लिया ए पे बना दिया राइट एंगल। चाहे तो आप यहाँ पे इसका निशान भी बना लीजिए। ए बी की वैल्यू दे रखी है 24, ए सी की वैल्यू दे रखी है 10 और बी सी उन्होंने पूछा है। सीधे सीधे थ्योरम लगा दिया, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू नहीं है लेकिन ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू पुट कर दी, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 10 का 100। बी सी का जो बेटा स्क्वायर था वो यहाँ जाके क्या हो गया, दूसरी साइड जाके अंडर रूट, और बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 676। तो बी सी की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है,
अब दूसरा क्वेश्चन पी क्यू आर के बेसिस पे है, इस बार हमें पी क्यू निकालना है। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। अब बेटा जो पी क्यू है ये निकालना है, तो इसको इक्वल टू के एक साइड छोड़ा, और जो आर क्यू यहाँ प्लस हो रहा था इसको यहाँ ले गए तो ये माइनस हो गया। पी आर मतलब 17 का स्क्वायर, पी क्यू मतलब 15 का स्क्वायर, और पी क्यू का जो स्क्वायर था वो वहाँ जाके हो गया अंडर रूट 17 का स्क्वायर 289, 15 का स्क्वायर 225। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 64। अंडर रूट 64 कितना होता है? 8। तो आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। चलिए अगला तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तीसरे क्वेश्चन में भी पी क्यू आर है, इस बार आपको बेस निकालना है क्यू आर। फॉर्मूला लगाया हमारे क्यू आर की वैल्यू वाई सीधे सीधे 12 सेंटीमीटर अंडर रूट 37 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर करके। लास्ट क्वेश्चन में अब इस बार आपको एच ही निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हमने फॉर्मूला लगाया ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। स्क्वायर वहाँ जाके हो गया अंडर रूट, और 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर हो गया आपका अंडर रूट 100। सीधे सीधे आपका आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान वर्कशीट थी आज की मैथ्स की, कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर ही लिया, अब तो आगे बढ़ते हैं आज की अगली वर्कशीट पर जो कि है साइंस की। तो बच्चों आज की हमारी जो दूसरी वर्कशीट है वो साइंस की है, तो देखते हैं आज आपकी साइंस की वर्कशीट में क्या है। साइंस की वर्कशीट है सेल डिवीजन के बारे में। हम चैप्टर पढ़ रहे थे सेल वाला, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेल क्या होता है, फिर हमने पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, राइबोसोम्स के बारे में, फिर हमने अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ते पढ़ते अभी चैप्टर सारे सेल ऑर्गेनल्स हो गए थे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन के बारे में। तो बच्चों आपको बचपन में चोट तो लगी होगी, मुझे तो बहुत चोट लगी है बचपन में, अभी भी आपको चोट लगती होगी खेलने के लिए जब आप जाते हो। जब हमें चोट लगती है तो कुछ समय बाद हम देखते हैं वो चोट भर जाती है, वो चोट ठीक हो जाती है। तो शायद आपने कभी मन ही मन ना सोचा हो, पर मैंने बहुत सोचा है कि ये चोट अपने आप ठीक कैसे हो जाती है। तो बच्चों ये चोट अपने आप ठीक कैसे हो जाती है कि वहाँ पे चोट की आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं धीरे धीरे और नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती हैं, और जो नई कोशिकाएं होती हैं वो उस चोट की घायल जगह के कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं, जिससे नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो बच्चों ये समझते हैं, अब वर्कशीट पढ़ लेते हैं, सीधा वर्कशीट से आएंगे हम आगे। तो ज्ञान पूछता है कि दीदी, जिज्ञासा दीदी, हाउ डज ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज एंड वुंड आर वुंड गेट रिपेयर्ड, कि हमारी चोट कैसे ठीक होती है। तो दीदी बताती है कि ज्ञान, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज बाय सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू और मोर, ये डिवाइड्स होगा इंग्लिश रॉन्ग है यहाँ पे, इनटू टू और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। यानी कि उस प्रोसेस से जिससे एक सेल डिवाइड होके एक से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। ध्यान से देखिए, सेल डिवीजन क्या हुआ? The process by which a cell is divided into two or more new cells is called cell division. In this process, the cell which undergoes division is called mother cell. As a result, the new cells produced are called daughter cells. तो जो नए cells बनते हैं उनको हम कहते हैं daughter cells, जो पुराने cells हो, जो पुराना cell होता है उसको हम कहते हैं mother cells. अब बच्चों आपने कभी दिमाग में सोचा है कि उनको mother cells या daughter cells क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंपल सेल्स का तो कोई जेंडर होता ही नहीं है। बट अगर सिंपल सेल्स का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में जो लाइफ है वो सिर्फ फीमेल्स ला सकती हैं, तो फीमेल्स की इस पावर को रिस्पेक्ट करते हुए, हमारे आसपास की महिलाओं की इस पावर को रिस्पेक्ट करते हुए, हम नए सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं, ना कि सन सेल्स। इसी के आगे लिखा है दैट ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज, डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल्स by cell division, even the wound or tissue get repaired, gametes are produced by this process. यानी कि cell division के की importance क्या है? cell division की main importance ये है कि इससे जो चोट, हमारे को जो चोट लगी रखी होती है वो ठीक होती है, चोटिल कोशिकाएँ ख़त्म होती हैं, और साथ ही साथ इससे gametes बनते हैं। gametes क्या होते हैं? gametes होते हैं sperm cells and egg cells। इसी के आगे समझते हैं, आगे लिखा है कि सेल टाइप डिवीजन कितने टाइप्स का होता है। तो बेटा एक होता है माइटोसिस। इसमें क्या होता है? इन दिस प्रोसेस अ मदर सेल इज डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स एंड द मदर सेल्स रिमेंस अनचेंज्ड, दिस टाइप ऑफ डिवीजन टेक्स प्लेस इन मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर।
तो एक सिंपल डिवीजन होती है कि एक सेल डिवाइड हुआ, दो बन गए, दो से डिवाइड हुए चार बन गए, चार से डिवाइड हुए आठ बन गए। इस वाली डिवीजन से जहाँ सेल बढ़ते हैं इससे ग्रोथ होती है और चोटें ठीक होती हैं। दूसरी होती है मियोसिस। दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स और टिश्यूज, एज अ रिजल्ट ओनली गैमीट्स आर फॉर्म्ड। तो ये गैमीट्स फॉर्म होने वाला जो प्रोसेस है वो अलग होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मियोसिस इसको हम कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम देखिए, यहाँ पे आपको देखोगा दो वाइट दो रेड कलर की क्रोमोसोम्स हैं। आगे देखिए जो दो वाइट थे ये आपस में जुड़े हुए दो से चार हो गए, दो रेड वाले आपस में जुड़े हुए दो से चार हो गए, बाद में ये चार दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो गए बिल्कुल पहले जैसा आ गया, और बाद में ये जो दो थे सेल्स ये भी दो और में डिवाइड हो गए, यानी एक सेल से चार सेल बना। अब ध्यान से समझिए, दो वाइट दो रेड, एक वाइट एक रेड, एक वाइट एक रेड, एक वाइट एक रेड, एक वाइट एक रेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके क्रोमोसोम आधे हो गए। ये सिर्फ उन सेल्स में होता है जिनको हम सेक्स सेल्स कहते हैं या जिनको हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। क्या होते हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स? रिप्रोडक्टिव सेल्स का एग्जाम्पल है स्पर्म और एग। स्पर्म के अंदर क्रोमोसोम्स आधे होते हैं, एग के अंदर क्रोमोसोम्स आधे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि स्पर्म और क्रोमोसोम जब आपस में मिलें तो इनके आधे आधे क्रोमोसोम्स मिलकर पूरे क्रोमोसोम्स बन जाएं। अगर पहले से ही पूरे होंगे तो पूरे पूरे मिलकर डबल हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स डबल ना हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी संतति में, किसी भी स्पीशीज़ में, इसीलिए जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं स्पर्म सेल्स और एग सेल्स, उनके पास क्रोमोसोम्स का नंबर आधा होता है। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन इन ऑर्गेनिज्म्स। अगर आपको याद हो इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको याद हो तो सबसे पहली जो हमने स्टार्टिंग की वर्कशीट सॉल्व करना शुरू करी थी तो उसमें मैंने एक वर्कशीट को, एक क्वेश्चन को, एक लाइन को अंडरलाइन किया था ये दिखाते हुए कि सेल डिवीजन की इम्पॉर्टेंस क्या है। तो वही आंसर वापस आ जाते हैं। तो ये लिखा है ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन साइज, डेवलप एंड रिप्लेस डेड सेल्स बाय सेल डिवीजन प्रोसेस, इवन द वुंड और टिश्यूज गेट रिपेयर्ड, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रोसेस। तो ये बच्चों हमारा आंसर कौन सा हो गया? ये है हमारा आंसर नंबर वन जो हमने नीले पेन से लिखा है। आगे देखते हैं, कर लीजिए इसको नोट डाउन। मैं जानता हूँ आप नोट डाउन करना चाहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर डज मियोसिस टेक्स सेल डिवीजन टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डॉटर सेल्स इन इट। तो मियोसिस कहाँ होता है? तो देखिए इस आंसर को टिक कर लेते हैं। मियोसिस सेल डिवीजन, दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक्स प्लेस ओनली इन स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और टिश्यूज, एज अ रिजल्ट ओनली गैमीट्स आर फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस। और इसी के आगे इन दिस प्रोसेस ए स्पेसिफिक मदर सेल अंडरगोज टू कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स एंड फाइनली प्रोड्यूसेस फोर डॉटर सेल्स। द डॉटर सेल्स प्रोड्यूसेस इन दिस प्रोसेस हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन कंपैरिजन विद देयर मदर सेल्स। तो ये आपका आंसर नंबर टू हो गया, कर लीजिए इसको नोट डाउन। चलिए आपने नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अ ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स इन इट, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स इफ इट अंडरगोज मियोसिस डिवीजन। अब यहाँ देखिए मियोसिस में क्या होता है, ये चार थे, चार से कितने बन गए? दो। तो बेटा 46 से कितने बन जाएंगे? 46 का आधा कितना होता है? 46 का आधा, 46 का आधा होता है 23। तो यहाँ रह जाएंगे 23 क्रोमोसोम्स। और लास्ट क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज सेल डिवीजन। तो मैंने ये आंसर भी टिक किया था, देखिए सबसे पहले आपको आंसर टिक कराया था व्हाट इज सेल डिवीजन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द प्रोसेस बाय विच अ सेल अंडरगो टू और मोर अंडरगो सेल डिवीजन, द प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइडेड इनटू टू और मोर न्यू सेल्स इज कॉल्ड सेल डिवीजन। In this process, the new cell which undergoes division is called mother cell, and as a result, new cells produced are called daughter cells. कर लीजिए अपना फोर्थ आंसर भी नोट डाउन। आज की वर्कशीट के चार ही क्वेश्चन थे, हमने चारों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
बच्चों मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया होगा अब तक, कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं आज की आपकी अगली वर्कशीट पर, जो कि है हिंदी की वर्कशीट। तो आज की जो वर्कशीट है वो संधि के ऊपर, व्याकरण है आज, और वो कहता है कि संधि क्या होता है। संधि खुद भी दो शब्दों को मिलके बना है, सम जमा धी, जिसका अर्थ होता है मेल, योग या समझौता। अब क्या होता है कि इसमें उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे सूर्योदय को हम लिख सकते हैं सूर्य जमा उदय, ये भी संधि है। इसमें सूर्य शब्द के अंतिम वर्ण स्वर में स्वर के रूप में अ और दूसरे वर्ण पद का पहला वर्ण उ है, दोनों को मिलकर अ बन गया। तो ऐसे ही अलग अलग तरीके की संधि होती है, देख लेते हैं कैसे कैसी होती है। पहली है स्वर संधि, स्वर के साथ स्वर, वर्ण के मेल से जो विकार या रूप उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। विद्या आ था तो आलय आ गया विद्यालय, मुनि ई था तो ई के साथ इंद्र लगा मुनिन्द्र। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है कि इसमें दो स्वर्ण लेकिन समजातीय स्वर है, चाहे वे लघु हों या दीर्घ, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ आ ई ई तो भोजन अ था, आलय आ था भोजनालय, विद्या और अ विद्यार्थी, मतलब छोटा स्वर और बड़ा सर, तो ई और बड़ा ई मिलके क्या होगा बड़ा ई, और आ मिलके क्या होगा आ हो जाएगा। आगे दूसरा है गुण संधि, गुण संधि क्या होता है, अ आ के साथ ई ई पर मेल होने पर ये ए बन जाएगा, मतलब अ के साथ ई मिला तो ए हो गया। जैसे देव जमा इंद्र देवेंद्र, देव जमा ईश देवेश। तीसरा है अपना जो चौथा है वो है यण संधि, तो यण में क्या होता है कि ई ई और ऊ ऊ या री का मेल होता है तो यह असमान स्वर से होता है, तो ई ई जो होता है वो य में बदल जाते हैं और ऊ ऊ जो होते हैं वो व में बदल जाते हैं। जैसे यदि जमा अपि यद्यपि, अति जमा आवश्यक अत्यावश्यक। अगला है अयादि संधि, अयादि में क्या होता है कि ए ए और ओ ओ के मेल से अन्य स्वर के साथ होने पर ए अय में बदलता है और ए आय में बदलता है। जैसे ने जमा अन नयन, गौ जमा उख गायक। अब प्रश्न दिए हैं कि निम्नलिखित विच्छेद किए गए शब्दों की संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए, तो देखिए मैंने कर रखा है। संधि है महा जमा आशय महाशय और ये दीर्घ संधि है, गंगा जमा उर्मी गंगोर्मी ये गुण संधि है, देव जमा ऋषि देवऋषि ये गुण संधि है, और पृथ्वी जमा ईश पृथ्वीश ये दीर्घ संधि है, गिरी जमा इंद्र गिरीन्द्र ये दीर्घ संधि है, और यद्यपि होगा बेटा। अब ये पहला प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो गया था आपका, दूसरे प्रश्न में उसने शब्द दे रखा है कहाँ संधि करो, तो हमने कहा कर लेते हैं। यद्यपि क्या हो जाएगा, यदि जमा अपि ये यण संधि होगी, अन्वेषण यानी अनु जमा एषण ये भी यण संधि है, वनौषधि वन जमा औषधि ये वृद्धि संधि है, और गिरीश गिरी जमा ईश ये दीर्घ संधि है। तो मुझे लगता है कि संधि तो आपको समझ में आ ही गई होगी, वैसे भी हिंदी तो बहुत आसान सब्जेक्ट है, आपको आसानी से समझ में आ जाता है, सभी को बहुत अच्छे से आता है। तो बच्चों आज की वर्कशीट हमने पूरी कर ली है, कल मिलेंगे फिर आपसे सुबह सुबह, कल की सुबह की दूसरी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।